प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने पढ़ा कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को हम एक ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। हाउ टू सॉल्व द गिवन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ ग्राफिकल मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। आज हम एक नए विधि वज्रगुण विधि की बात करेंगे कि वज्रगुण विधि द्वारा बाय दी मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिए गए रैखिक समीकरण को हम कैसे हल करेंगे। तो यदि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, अगर ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है, रैखिक समीकरण है, और यदि ये हम पढ़ चुके हैं कि दो दिए गए रैखिक समीकरणों का हल अद्वितीय कब होता है, जब उनके एक्स और वाई वेरिएबल के कॉफिशियंट्स का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो बराबर नहीं हो। अगर ये रेशियो बराबर होती, ए वन ए टू इज इक्वल टू बी वन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो उस समीकरण युग्म के अनेक हल होते। और अगर ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन अपॉन सी टू के बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं था। ये हम पढ़ चुके हैं। वज्रगुण विधि द्वारा हम केवल उसी रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं जिसका हल अद्वितीय हो। इफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशंस, देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो इसके लिए हमने ये डायग्राम याद रखना है कि एक्स वाई और वन, बी वन बी टू सी वन सी टू, ए वन ए टू बी वन बी टू, इस डायग्राम को याद रखना है। सिमेट्री भी बन रही है, देखिए बी के बाद सी सी, क्योंकि यहां पर तीन ही कांस्टेंट टर्म्स है हमारे पास, कोफिशिएंट जो एक्स और वाई के हैं और एक कांस्टेंट टर्म है वो ए बी और सी में है, तो बी वन के बाद सी वन, फिर ए वन दोबारा बी वन, बी टू सी टू, ए टू बी टू, फिर बी वन से सी टू को जो एरो लगा हुआ है, दोनों को मल्टीप्लीकेशन होगी, और इस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो बी टू सी वन का जो प्रोडक्ट आएगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। वाई का जो होगा वो किसके होगा, सी टू वन इंटू ए टू माइनस सी टू ए वन, और ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। आइए हम इसको एक प्रश्न द्वारा समझने का प्रयास करें। एक्सरसाइज 3.5, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। गिवन इक्वेशन आर 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हियर ए वन इज इक्वल टू टू, बी वन इज इक्वल टू वन एंड सी वन इज इक्वल टू 5 एंड ए टू इज इक्वल टू 3, वी टू इज इक्वल टू 2 एंड सी टू इज इक्वल टू 8। देयरफॉर ए वन अपॉन
a2, that is a1 is 2 by 3, a2 is equal to 3, and b1 upon v2 is equal to 1 upon 2. This implies a1 upon a2 is not equal to v1 upon v2. This implies, therefore, equations have unique solution. जो इक्वेशंस है हमारे पास, उनका जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा। और अगर अद्वितीय हल है, इस दिए गए समीकरण का अगर हल अद्वितीय है, तो हम इसके एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हल कर सकते हैं। देयरफॉर बाय यूजिंग वाई द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, अगेन एक्स दैट इज b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, b1 और हम इसको लिखते हैं, b1 हमारे पास कितना है, b1 इज 1 2, c1 c2 5 8, a1 a2 2 3 एंड b1 v2 1 एंड 2, x y एंड 1। अब देखिए यहां पर जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड में, उसको हमने जीरो के बराबर नहीं किया है, तो यहां पर जो कांस्टेंट टर्म होगी वहां पर -1 होगा। तो 1 × 8, 2 × 5, 5 × 3, 8 × 2, 2 × 2, 3 × 1, दैट इज एक्स अपॉन 1 × 8, 8 − 10 इज इक्वल टू वाई अपॉन 5 × 3 दैट इज 15 − 16 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 × 2 इज इक्वल टू 4 −3 × 1 दैट इज 3। और एक्स अपॉन -2 वाई अपॉन -1 दैट इज 15 − 16 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1। एक्स अपॉन -2 और माइनस कॉन्स्टेंट टर्म को हमने कंपेयर करना है, दैट इज एक्स अपॉन -2 इज इक्वल टू -1 और एक्स इज इक्वल टू 2। यहीं पे इसको हम हल कर देंगे एंड वाई अपॉन -1 इज इक्वल टू -1
और y इज इक्वल टू 1, देयरफोर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। यहां पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि समीकरणों में हमारे पास अगर बैरी कांस्टेंट टर्म्स जो है वो इक्वलिटी से राइट साइड में है तो यहां पर हम माइनस एक रखेंगे, और अगर इक्वलिटी की राइट साइड में जीरो है और कांस्टेंट टर्म को हम लेफ्ट साइड में ले आए हैं तो यहां पर माइनस वन नहीं होगा। इसलिए दिए गए जो पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चंस है उसकी एक्स और वाई की वैल्यू मेरे पास 2 और 1 होगी। इस एक्सरसाइज के जिन इक्वेशंस के हल अद्वितीय हैं, यूनिक सॉल्यूशन होगा, उनको हम इस मेथड के द्वारा हल कर सकते हैं।